हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 13 है, प्रायिकता चैप्टर है, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 16 को देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। दो थैले फर्स्ट और सेकेंड दिए है, यानी दो थैले, एक फर्स्ट एक सेकेंड है, ठीक है। थैले एक में तीन लाल और चार काली गेंदे हैं, जबकि थैले दो में पाँच लाल और छः काली गेंदी है। किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले दो से निकाली गई है, ठीक है। तो लाल रंग की गेंद थैले दो से निकाली गई की प्रायिकता आपको फाइंड करना है कि यह कहता है कि वह लाल रंग की है और इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले दो से निकाली गई है, यानी थैले दो से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते देखिए। अब डियर स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन यहाँ पर करते देखिए। दो थैले है आपके पास, एक फर्स्ट एक सेकंड और एक लाल रंग की गेंद है। तो पहले इन घटनाओं को आप मान लो। तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना घटना E1, ठीक है। घटना E1 देखिए, घटना E1 आप मान लो कि थैला एक चुना जाता है, ठीक है। घटना E1 आप मान लो कि थैला फर्स्ट चुना जाता है, थैला फर्स्ट चुना जाता है, ठीक है। थैले फर्स्ट को चुनने की जो घटना है वो हमने E1 मान लिया। E1 क्या है? थैला फर्स्ट चुना जाता है। अब घटना E2 को मान लो कि थैला सेकंड चुना जाता है। दो थैले है तो थैला फर्स्ट और थैला सेकंड, ठीक है। थैला सेकंड चुना जाता है, घटना E2 को हम क्या मानेंगे? थैला सेकंड चुना जाता है। बिल्कुल सीक्वेंस में करना है ऐसे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, अब एक लाल रंग की गेंद निकलने की घटना को आप ए मान लो अलग गेंद से। तो यहाँ मानेंगे कि ए घटना क्या है कि एक लाल रंग की गेंद निकलना, एक लाल रंग की, एक लाल रंग की गेंद निकलना, गेंद निकलना, ठीक है। देखिए, हमारे पास दो थैले थे और एक लाल रंग की गेंद की घटना थी। तो हमने क्या किया, E1 मान लिया थैला फर्स्ट चुना जाता है और E2 मान लिया थैला सेकंड चुना जाता है और A मान लिया एक लाल रंग की गेंद निकलती है, ये एक लाल रंग की गेंद का निकलना वो घटना E मान लिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास दो थैले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास दो थैले थे, तो देखिए पहले तो आप यहाँ पर बना दो फर्स्ट थैला, एक थैला मान लो ये ए थैला है, ठीक है, यानी ये फर्स्ट वाला थैला है, ठीक है। और एक मान लो सेकंड वाला थैला, तो ये मान लो सेकंड वाला थैला है, ये भी आपको फेयर में ही बनाना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखते, पहले दो थैले फर्स्ट और सेकंड दिए है, थैले फर्स्ट में तीन लाल और चार काली गेंदी है। देखिए, जो थैला फर्स्ट है इसमें तीन लाल है, यहाँ पर देखिए आप, जो थैला फर्स्ट है इसमें तीन लाल और चार काली गेंदी है। तो यहाँ लिख लो, तीन तो लाल है थैले फर्स्ट में और चार काली गेंदें हैं, तो चार काली हो गया, ठीक है। थैले फर्स्ट में तीन लाल गेंद है, चार काली गेंद है, ठीक है। अब थैले सेकंड में देखिए, थैले सेकंड में पांच लाल और छह काली है। तो देखिए, जो ये थैला सेकंड है इसमें पांच लाल और छह काली गेंदें हैं, पांच लाल गेंद है और छह काली गेंदें हैं, ठीक है। जो थैला फर्स्ट है इसमें तीन लाल गेंद और चार काली गेंदी है, जो थैला सेकंड है उसमें पांच लाल और छह काली गेंदी है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोलता है उसको देखते पहले। देखिए, अब कहता है कि किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले दो से निकाली गई है, ठीक है। तो देखिए, पहले सबसे पहले देखिए, आपने थैला फर्स्ट थैला सेकेंड बना दिया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको थैले की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। देखिए, थैला फर्स्ट चुनने की प्रायिकता, E1 क्या है? E1 था थैला फर्स्ट की घटना, थैले फर्स्ट की घटना थी, तो P
पी ई वन का मतलब क्या हुआ कि थेले फर्स्ट की प्रायिकता। तो देखिए दो थेले हैं, दो में से फर्स्ट थेले को चुनने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। और फिर देखिए फिर पी ई टू निकाल लो, यानी दूसरे थेले को चुनने की प्रायिकता। दूसरा थेला क्या है, सेकंड थेला ये वाला है ई टू है, दूसरे थेले को आपने क्या माना, ई टू माना है, तो सेकंड थेले को चुनने की प्रायिकता पी ई टू कितना हो गया, थेले दो ही है तो दूसरा वाला तो 1/2, ये भी क्या होगा 1/2 होगा। दूसरा थेला चुनने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, ठीक है। दोनों थेले को चुनने की प्रायिकता आपने निकाल ली है। अब देखिए अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे, देखिए यहाँ पे लिख लेते पहले पी ए अपॉन ई वन, पी ए अपॉन ई वन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं थेले एक में से लाल रंग की गेंद निकलना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पी ए अपॉन ई वन का मतलब क्या है कि थेले एक में से लाल रंग की गेंद निकलना उसकी प्रायिकता है, ठीक है। देखिए पी ए अपॉन ई वन ये है सह प्रतिबंध प्रायिकता। कब है ये, कि थेले एक में से, थेला एक तो रख दे नीचे, थेले एक में से लाल रंग की गेंद रख दी ऊपर, तो थेले एक में से लाल रंग की गेंद निकलने की जो प्रायिकता है उसको हम ए अपॉन ई वन लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए थेले एक में से लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता, देखिए थेला एक ये रहा, इसमें लाल रंग की गेंद 3 है और कुल कितनी गेंदों में से, 7 गेंदों में से, 4 × 3 = 7 होगा। तो देखिए 3/7 क्या होगा, थेले एक में से लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता होगी, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया। इसी प्रकार देखिए प्रायिकता निकाल लो, थेले दो में से लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। ठीक है अब देखिए पी ए अपॉन ई टू का मतलब क्या है, कि थेले दो में से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता, ठीक है। ई टू को हमने क्या माना, थेला टू माना है, और ए को हमने लाल रंग की गेंद मानी है। तो ई टू का मतलब है कि थेले दो में से, और ए का मतलब है लाल रंग की गेंद निकलना। इसका मतलब क्या है कि प्रायिकता आपको निकालनी है, मतलब प्रायिकता है ये किसकी, थेले दो में से लाल रंग की गेंद निकलने की, थेले दो में से लाल रंग की गेंद, ठीक है, थेले दो में से लाल रंग की गेंद निकलना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपने समझ लिया होगा, ये सह प्रतिबंध प्रायिकता है कि जब थेला दो चुना जाता है और उसमें से लाल रंग की गेंद निकलती है, ठीक है। यानी थेले दो में से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता पी ए अपॉन ई टू से लिखा जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए थेले दो में से लाल रंग की गेंद निकलना। अब थेला दो ये रहा, इसमें लाल रंग की गेंद 5 है, कुल कितने में से, 6, 5, 11 में से, यानी 5/11, ठीक है। थेले दो से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 5/11, और थेले एक से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 3/7, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है पी ई टू अपॉन में ई, पी ई टू अपॉन में ई, ठीक है, पी ई टू अपॉन में ई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि लाल रंग की गेंद थेले दो से निकाली जाती है, यानी आपको पहले से दिया गया है कि गेंद लाल है और उसकी थेले दो से होने की प्रायिकता आपको बतानी है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी थेले दो से, थेले दो में से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पी ई टू अपॉन ए का मतलब क्या हुआ कि थेले दो में से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता, ये आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, पी ई टू अपॉन ए की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो पी ई टू अपॉन ए की वैल्यू निकालने के लिए बेंज प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बेंज प्रमेय से हम पी ई टू अपॉन ई निकालेंगे। इसका मतलब क्या था कि थेले दो से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता, ठीक है। देखिए बेंज प्रमेय से
अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, पी ई टू अपॉन ई, ये निकालना है आपको, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि लाल रंग की गेंद पहले से आपके पास है और वो धीरे दूसरी निकाली जाती है उसकी प्रायिकता। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए पहले बेंज प्रमेय का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ई, देखिए यहाँ पी ई टू लिखा तो पी ई टू इंटू, इसका रिवर्स ले लो, पी ए अपॉन में ई टू, ठीक है ऐसे। फिर यहाँ पर देखिए दो थैले थे आपके पास पी ई वन पी ई टू, तो यहाँ पे लिख लो पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, इसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता, प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू, ठीक है। ये फॉर्मूला होगी बेंज प्रमेय का, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, देखिए ध्यान से, पी ई टू अपॉन में ए, इसको सेम रख लो। अब यहाँ पर देखिए पी टू कितना था, यानी थेले टू की प्रायिकता, यानी थेले दो की प्रायिकता क्या थी, एक बटे दो, और पी ए अपॉन ई टू यानी थेले दो से लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता, तो ये आपको ये था 5/11, ठीक है। आप देख रहे ना पीछे 5/11 था, ठीक है। अब देखिए पी ई वन यानी थेले वन की प्रायिकता 1/2, पी ए अपॉन ई वन यानी थेले वन से लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता, ये था 3/7, ठीक है। और प्लस पी ई टू यानी थेले टू की प्रायिकता क्या थी, 1/2, और पी ए अपॉन ई टू मतलब थेले दो से लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता, ये थी 5/11, ठीक है। ये क्या थी, 5/11। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखिए पहले ध्यान से, पी ई टू अपॉन में ए इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंटू कर लो, 5 × 5 और 11 × 2 = 22, 3 × 1 = 3 और 7 × 2 = 14, प्लस 5 × 5 11 × 2 = 22, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पी ई टू अपॉन में ए इक्वल टू, देखिए 5 / 22 है, इसको सेम रख लो, एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 22 × 3 = 66 हो जाएगा, 22 × 3 = 66 और 14 × 5 = 70 और देखिए 22 × 88 होगी, 88 का तो 8 हो गया, 8 आपने कैरी लगा दिया, और 22 × 22, 22 में आपको 8 जोड़ना है, तो कितना हुआ 30, 22 और 8 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखिए 5 / 22 / इसको ऐड कर लो, तो 6 सेम आएगा, 7 और 6 = 13, 136 हो जाएगा, ठीक है। तो 136 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 का 6 आया, 7 6 13 हो गया, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 308, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, पी ई टू अपॉन में ए इक्वल टू, देखिए जो नंबर सबसे ऊपर है उसको तो लिख लो पहले आप, ठीक है। इनको पहले ऐड कर लो, कितना होगा, 6 7 13 यानी 136 अपॉन में कितना होगा, 308, ठीक है। चलो अब देखिए पी ई टू अपॉन ई, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर सबसे ऊपर है उसकी मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले से होती है, बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले से होती है, ठीक है। देखिए 5 × 308 और 22 × 136, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब देखिए पी ई टू अपॉन में ए इक्वल टू, देखिए अब देखिए इसको 2 से कट कर लो, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 1 carry, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, ठीक है। अब देखिए 11 से कट हो जाएगा, 11 × 11 = 11 और 4 carry, 11 × 4 = 44, ठीक है। चलो अब देखिए 2 से कट कर लो, 2 × 7 = 14 और 2 × 6 = 12, 1 carry, 2 × 8 = 16, तो कितना बचेगा, देखिए 7 × 5 = 35 अपॉन में 68, ठीक है। देखिए लाल रंग की गेंद थेले दो से होने की प्रायिकता क्या निकल गई है, 35/68 निकल गई, ठीक है, 35/68। तो ये आपका आंसर है, ऐसे इसको सॉल्व करना था, तो आंसर आप चेक कर सकते हैं, इसको नोट कर लिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।